दम है तो ऑस्ट्रेलिया जीत कर दिखाओ। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के कोच, कप्तान रवि शास्त्री और विराट कोहली दोनों को एक बात कही थी कि आपने श्रीलंका की सीरीज तो जीत ली। चलिए, श्रीलंका को हम सब जानते हैं कि कमजोर टीम थी वो। अगर मैं मलिंगा और एंजेलो मैथ्यूज को छोड़ दूं तो सारे नए नए थे। हसरंगा की बात करूं, दानुष्का की बात करूं, सारे नए नए थे। लेकिन अगर अब दम है तो वाकई में, अगर रियल फाइट की अगर मैं बात करूं तो वो है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, जो कि 14 जनवरी, 17 जनवरी और 19 जनवरी को खेला जाएगा भारत में ही। कैसे विराट कोहली देंगे दादा को जीत का तोहफा? क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन टीम को भारत में हराएंगे? क्या हमारी जमीन पर हारेगा ऑस्ट्रेलिया? ये बहुत बड़ी बात है। सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कोई भी टीम हो, बस एक टीम को थोड़ा फेस करने में घबराहट होती थी और वो टीम था ऑस्ट्रेलिया। और अब का अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो उस वक्त भी दिलेर प्लेयर थे, हुआ करते थे मैथ्यू हेडन, शेन वॉर्न, शेन वॉटसन, मैकग्राथ, ब्रैटली, ऐसे ऐसे दिग्गज, एंड्रू साइमंस, एडम गिलक्रिस्ट। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो खैर ये भी दिग्गज है, नाम इनका भी है, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, मार्शल लाबुशेन, तमाम हैं, अब मिशेल स्टार्क। लेकिन दादा ने कहा था विराट कोहली को और कोच को पैगाम भी दिया था कि वाकई में अगर भिड़ना है तो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ो, और भिड़ो तो जीतो। अगर आपने यहाँ पर हमें जीत दिलाई, यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत अगर हारता है तीनों ओडीआई की सीरीज में, अगर हम इसको क्लीन स्वीप कर देते हैं, अगर हम उसको हरा देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो हम कहीं ना कहीं जब अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 2020, तो हमारे लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा गेम खेलना, क्योंकि प्लेयर समझ जाएंगे कि इस टीम में दम है। तो कैसे देंगे विराट कोहली दादा, यानी कि सौरव गांगुली, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली को जीत का तोहफा? तो क्या दादा को चुप कर देंगे इस जीत के साथ विराट और शास्त्री? अगर आपको लगता है ऐसा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को हराकर दादा को जीत का तोहफा देंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स।